आखिरकार बिहार की राजनीति में वही हुआ जिसके कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। नीतीश के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने सारे पत्ते खोल दिए। कल तक दबी जुबान से सुशासन बाबू का विरोध करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। बता दें कि उनकी नई पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय लोक जनता दल। उन्होंने जैसे ही यह ऐलान किया तो बिहार की राजनीति में चर्चा गोशियों का बाजार गुलजार हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने यह ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज का जिक्र कर कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को पार्टी की कमान सौंपी थी। उस समय बिहार की जनता बेसुमार दुश्वारियों से जूझ रही थी। ऐसी स्थिति में हमने प्रदेश के विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए जी जान लगा दिया था। उपेंद्र ने आगे नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उस समय नीतीश कुमार प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए बहुत काम किया था। अब आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि अंत भला तो सब भला। उपेंद्र ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने शुरू में तो प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए अच्छा काम किया, लेकिन बाद में वो अपने मार्ग से भटक गए। बता दें कि इससे पहले भी राजधानी पटना में इस संदर्भ में बैठक बुलाई गई थी जिसमें आगे की रणनीति को मूर्त रूप देने की दिशा मंत्रणा हुई थी। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर थे। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान वे कई मर्तबा नीतीश को लेकर अपनी शिकायत जाहिर कर चुके थे, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वे जेडीयू छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि विगत विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में करा दिया था। ऐसा करके उन्होंने प्रदेश में कुर्मी वोटरों को अपने पक्ष में करने का काम किया था। बहरहाल अब आगामी दिनों में वे क्या कुछ कदम उठाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।